सो हे गाइस सर, कैसे हो आप सभी? तो आई होप करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट में आप लोग जो भी शो देखते हो फुल HD प्लस में चलता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का इसे काफ़ी ज़्यादा आप लोग का डाटा बेकार में चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग का जो 3GB में चलने लगेगा, जिसके द्वारा आप लोग का डाटा भी कम यूज होगा और आपका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा MB आप लोग का बचेगा। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों का है, ये जो प्रॉब्लम मैं फिक्स करने वाला हूँ, 3GB में नहीं चलता है, कभी कभी चलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा लेट से चलता है, रुक रुक के चलता है। तो ये जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक का देखना होगा। इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, आज इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जाना प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद एप्लीकेशन को एक सर्च कर लेना है जिसका नाम है डाटा मोर। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ सर्च करके मैं आपको दिखा दूँ, या मैं लिख देता हूँ डाटा मोर। डाटा मोर जैसे आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसको कि इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को सिंपल से यहाँ से ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पे डिसमिस कर देना। उसके बाद से आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो जो भी परमिशन आपसे पूछा जाएगा तो परमिशन आप लोग दे देना। तो यहाँ पे देखो अभी 50 MBPS बता रहा है, ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है, ये जो है ना स्लाइडर जो है ना, इसको सबसे कम कर देना, जो कि यहाँ पे सबसे कम कर दोगे तो 0.1 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को सबसे कम करके यानी कि हम लोग को कर देना यहाँ पे 0.1 करने के बाद आप लोग को यहाँ पर रेंज वाले जो सेक्शन है इस पर कर देना क्लिक। और यहाँ पे इसको हम लोग को पहले वाले को सेलेक्ट करना है जो कि 0.1 MBPS। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोग का काम हो जाएगा खत्म। उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लोग को कहीं भी कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आप लोग का काम हो जाएगा खत्म। उसके बाद आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद आप लोग को डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से वीडियो नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली आप लोग फ्लिपकार्ट से वीडियो देखेगे तो आपका इसमें जो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा भी नहीं यूज होगा और कम डाटा में आपको पूरा का पूरा जो शो आप लोग देख पाओगे। तो चलो दोस्तों, मैं बता दूँ कैसे क्या। तो यार, इतना काम करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल साजन आपने जो है यहाँ पे क्रोम के ब्राउजर में आने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेना फ्लिपकार्ट। जैसे आप लोग सर्च कर लोगे, फ्लिपकार्ट सर्च करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे जरा सा लोडिंग लगा पहले। तो यार, यहाँ पे लोडिंग जरा सा लगा, लोडिंग लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे पूछा जाएगा जैसे कि मोबाइल नंबर क्या है, OTP क्या है, जैसे कि अपना लॉगिन जो है कर लेना। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे 3 डॉट पे मैं क्लिक करके, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। जी दोस्तों, लॉगिन कर चुका हूँ। तो अब जो है कैसे आपको वीडियो को देखना होगा जिसके माध्यम से आप लोग का यहाँ पे बेनिफिट हो सकेगा, ठीक। तो यार, उसके लिए कुछ नहीं करना, आप लोग का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मोर ऑन फ्लिपकार्ट, आप लोग को इस पर कर देना होगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जरा सा लोडिंग लगा। उसके बाद से देख सकते हो सुपर कॉइन जोन का एक बटन है, तो इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जरा सा लोडिंग लगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा इतना सुपर कॉइन है। मैं क्या करता हूँ, नीचे एक साइड में स्लाइड करता हूँ कुछ ऐसे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा दूँ, सुपर कॉइन बूस्टर डील्स, आप लोग को इस पर कर देना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे एक साइड में आप लोग को यहाँ पे जितने भी शो चलते हैं ये शो आपको दिखाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस शो को यहीं से आप लोग ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आप लोग यहीं से इसको जो देख सकते हो, इसको देखने के बाद आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कॉइन देखने को मिलेगा। आप लोग को जो भी सुपर कॉइन तो मिलता है वो तो सिंपल सा मिलेगा ही, लेकिन कम MB में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम भी बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा MB में नहीं लगेगा, आपको जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ये एक बेस्ट जरिया होने वाला है जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वीडियो बहुत ही आराम से देख सकते हो कम MBPS पे, ठीक है? तो यार, ये था वीडियो में बताना आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा से मैं आपको बात समझा देता हूं कि आप लोग डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के द्वारा मत देखना, क्योंकि आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। ये कहीं भी लिखा नहीं गया, कहीं कोई जानता नहीं है कि बैन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं हो सकता है, क्योंकि यार आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे नियम पॉलिसी फ्लिपकार्ट वालों का। लेकिन मैं ये सजेशन करता हूं कि आप लोग यहां से देखो डायरेक्टली, आप लोग यहां से देखोगे तो आपका अकाउंट बैन होने का चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप लोग चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो, इस प्रकार से आपका डाटा कम यूज होगा। तो यार, उम्मीद करूंगा वीडियो को बहुत ही पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए यार, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।